साथ मौसमी सिंह आज तक। और आज तक की टीम दिल्ली से करीब 156 किलोमीटर दूर देवबंद के एक गांव में पहुंची। उस गांव का हर निवासी दहशत में है। आखिर उस डर की वजह क्या है? पड़ताल की हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। क्या पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग गांव में हो रहा है? यहाँ कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा जी गांव में। यहाँ क्या बता रहा है? बस यही बता दे, कहने लगे टेस्टिंग और कहीं होएगा, जाके देवबंद करवाओ, तो देवबंद भी बता देते हैं यही कि कल आइए परसों आइए। यहाँ बहुत सारे लोगों की मौतें हुई। हाँ बहुत सी होगी जी, मौतें तो यहाँ से 10-12 होगी। देवबंद से 8 किलोमीटर दूर अंबेहटा शेखा गांव में अजीब सा सन्नाटा है। ये सन्नाटा उस खौफ की वजह से है जिसका नाम है कोरोना। गांव में जिस बात को लेकर के डर था वही हो रहा है। कोरोना का कहर गांव में तेजी से फैल रहा है। आज तक की टीम इस वक्त देवबंद के अंबेहटा शेखा गांव में पहुंची हुई है। दरअसल यहां 15 दिनों में 20 लोगों की मौत हुई है। गांव की अगर स्थिति देखें तो यहां की सारी गलियां जो हैं वो सूनी दिखाई पड़ रही हैं। गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग इस गांव में दिखाई पड़ते हैं। लोगों में इस बात का भय का माहौल है कि गांव में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है वैसे में इनको बचाने के लिए कौन आएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी गांव में नहीं दिखाई पड़ रही हैं। गांव वालों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में 20 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक न टेस्टिंग का इंतजाम है और न ही दवाई का। डॉक्टर तो यही है, लोकल के पास ले ली दवाई किसी ने तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी। बाहर का डॉक्टर कोई नहीं आ रहा है यहाँ चेक इन करने के लिए। कल बताया प्रधान जी ने प्रयास किया था किसी डॉक्टर की टीम को बुलाने के लिए, कोई आया नहीं अब तक यहाँ पे। हुई है गांव में अभी तक जो बताया जा रहा है, यहाँ पे करीब 20 दिन में 24-25 डेट हो चुकी। बुखार आया और फिर दम घुट गया, हर गांव वाले की जुबान पर यही आप बीती है। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा गाँव में, किस तरीके से यहाँ जो बताया जा रहा है कि अंबेहटा में कई लोगों की मौतें हुई हैं, क्या वजह बताई जा रही है? जी यहाँ पे जो है इस गांव के अंदर करीबन 20 दिन के अंदर 20-25 मौत हो चुकी हैं जी। और जी ऐसा ही कारण हो रहा है कि बुखार आ रहा है, बुखार के कारण ही मौत आ रही होगी और इसके कारण ही ज्यादा करके मौत आ रही, वरना वैसे ठीक ठाक है, सब कोई मुश्किल नहीं है। देवबंद अंबेहटा शेख गांव के लोगों का कहना है कि बुखार और सांस लेने की तकलीफ के बाद ये मौतें हो रही हैं। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर इंद्राज सिंह हैं, उनका ये कहना है कि गांव में बीमारी और मौत की वजह का पता नहीं चल पा रहा है। बेटा शेखा गांव जहां पर बहुत सारी लोगों की मौतें हुई हैं, वो लोग भी इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। अब आप लोग किस तरीके से कदम उठाए? जो अंबेहटा शेखा में या किसी अन्य गांव में जो मौतें हुई है वो आइसोलेशन में रहने वालों की नहीं हुई है, जो हमारे होम आइसोलेशन में है, क्योंकि वो सब हमारे कांटेक्ट में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद अपना किसी अपने आप इलाज करवा रहे हैं, खुद ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रख के लगा रहे हैं, और जब स्थिति बिगड़ती है तब वो सरकारी अस्पताल की तरफ भागते हैं। गांव में अभी भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। हालांकि गांव के लोगों में डर का माहौल है और वो लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग इस गांव में कुछ नहीं कर रहा है। कोरोना के बारे में जिस तरीके से गांव के लोग ये कह रहे हैं कि ये रहस्यमय बीमारी है, कोरोना पीछे से छिप कर वार कर रहा है। दरअसल यहां गांव के लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि जुखाम बुखार और खांसी अगर होती है तो उसका इलाज किस तरीके से कराना है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें यहाँ गांव में आ रही हैं, उनका यह कहना है कि वो गांव के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं और उनको किट भी दे रही हैं, लेकिन गांव में अभी भी जागरूकता नहीं फैली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप देख रहे हैं कि गांव में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कम मात्रा में मास्क लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। गांव में अगर इस तरीके के कदम नहीं उठाए जाएंगे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग इसके साथ साथ सैनिटाइजर और इन तमाम चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा तो गांव में कोरोना का कहर और ज्यादा हो सकता है। स्थिति साफ है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांवों में आज तक की टीम जा रही है और वहां देख रही है कि किस तरीके से लोग टेस्टिंग और ट्रेसिंग से बच रहे हैं। गांव में जहां पर टेस्टिंग हो रही है उनको आइसोलेट किया जाता है, लेकिन वो लोग वहां से निकल करके पूरे गांव में घूमते हैं और कोरोना इसी वजह से गांव में और ज्यादा फैलता जा रहा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह आज तक।
गांव में कोविड की टेस्टिंग और मरीजों को सही समय पर दवाई